नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपको बात करने जाएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं गैट बी मतलब का मतलब जे का सी बी का आगे नाम था अभी गैट बी हो गया या एफ एम एस सी लाइफ साइंस की भी कर रहे तो स्टूडेंट का जो ज्यादा प्रॉब्लम जो मैं जान पाया हूँ इतना सारे स्टूडेंट के साथ बात करके कि बोल रहा है कि देखिए मैं बायोलॉजी का बैकग्राउंड का हूँ बायोलॉजी तो मैं पढ़ लूंगा जैसे तैसे करके लेकिन दिक्कत हो जा रहा है कि फिजिक्स कैसे पढ़े केमिस्ट्री कैसे पढ़े मैथेमेटिक्स कैसे पढ़े क्योंकि कोई बोलते मैथेमेटिक्स तो मेरा ट्वेल्व में था ही नहीं किसी को बोलता है मेरा तीन साल हो गया अभी तक तीनों के तीनों सब्जेक्ट पकड़े तक नहीं छुआ तक नहीं तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करें सर और सबको पता है आपको कि जे एन लाइफ साइंस के लिए अगर जे एन स्पेशली और जिसको गैट भी बोला जा रहा है अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको पता है कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में से दो तो आपको अच्छा से आना चाहिए और एम एस लाइफ साइंस की अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री आने से भी आपका चल जाएगा लेकिन गैट भी में आपका नहीं चलेगा क्योंकि बोलता है पार्ट बी में केमिस्ट्री फिजिक्स क्वेश्चन आता है लेकिन पार्ट बी में कभी कभी घुसा देता है मैथ घुसा देगा फिजिक्स घुसा देगा आपको देखिए सिलेबस नहीं लिखा है सिलेबस में कुछ नहीं लिखा है बोलेगा ग्रेजुएशन लेवल का जो बायोलॉजी आएगा लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट बी में भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ घुसा देता है तो ये बहुत दिक्कत वाला हो जाता है हंड्रेड क्वेश्चन में सिक्सटी चूज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि पहला बात तो बायोलॉजी जो क्वेश्चन पूछता है वो डिफरेंट वेराइटी का पूछा जाता है माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी बोटनी से उसके ऊपर मैथ रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री वो अगर आपको वीक है तो सिक्सटी क्वेश्चन में सिक्सटी मतलब हंड्रेड से सिक्सटी अटेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अब चुन चान के देखिएगा चालीस हो रहा है आपका आ चालीस में से देखिएगा तीन गलत हो गया नेगेटिव मार्किंग तो ऐसे करके नहीं चलेगा तो मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए देखिए टाइम बहुत ही कम है आपका जे एन सी बी के लिए और एम एस सी लाइफ साइंस की बात करें तो आपके पास टाइम है तो बात है कि आप क्या कीजिएगा देखिए सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं रुकिए थोड़ा सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं कि आप जाके पहले क्या कीजिएगा कि केमिस्ट्री जो भी आपका स्ट्रांग था ट्वेल्थ में कुछ तो स्ट्रांग था ना जैसे मेरा कुछ स्ट्रांग नहीं था तो मैं पहले से पढ़ाई किए थे पकड़ के तो आपका जो भी स्ट्रांग है फिजिक्स हो मैथमेटिक्स हो केमिस्ट्री हो उसको पकड़िए अब मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए ठीक है तो देखिए केमिस्ट्री अगर पकड़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में सब नहीं पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम ही छोड़ दीजिएगा मैं एकदम डायरेक्टली सबको बोलता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत पकड़िएगा ये पकड़िएगा तो आपका बहुत ही टाइम लाएगा और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो ऑर्गेनिक को और फिजिकल को अच्छे से पकड़िए ऑर्गेनिक फिजिकल को पकड़िएगा तो आपका इजी और बर्डन भी कम होगा और आप रिमेम्बर भी कर सकते हैं रिवाइज भी कर सकते हैं सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है कौन कौन सा चैप्टर है देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल से इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तो वो छोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा केमिकल काइनेमेटिक्स इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनेमिक्स ये जो चैप्टर आपको बोले ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो केमिकल काइनेमेटिक्स उसके बाद थारमिक्स हाँ उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आप बोलिएगा सर आप तो चैप्टर बोल दिए अब मैं बुक खोल के देख रहा हूँ तो उसमें तो बहुत ज्यादा चीज है तो उतना चीज आपको पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है मैं आपको क्या बोला कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम्पल के तौर में बोलू मैं कि केमिकल काइनेमेटिक्स अब केमिकल किस तरह का क्वेश्चन पूछा है देखिए ध्यान से देखिए केमिकल कामेटिक्स आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन से हाफ लाइफ से क्वेश्चन पूछता है उसका इक्वेशन के ऊपर भी करके क्वेश्चन पूछता है तो ये यहाँ इधर ही उधर घूमता है क्वेश्चन लेने के आर एन से क्वेश्चन पूछेगा तो इलाक नहीं सिलेक्टेड टॉपिक होता है आप देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि लोग इधर ही छटपट करेगा ज्यादातर अब नहीं भागेगा ये लोग तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इक्वलिब्रियम में भी ऐसे देखिएगा पी एच का इतना वॉल्यूम था इतना पी एच था इस वॉल्यूम का इतना पी एच का मिक्स कर दिया तो आपका जो फाइनल पीएच कितना होगा इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको फिर पी एच इजिकल टू जो पी एच प्लस पीओ एच इजिकल टू फोर्टी जो फार्मूला है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपको तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा एक बात हो थार्मो डाइनेमिक्स वहाँ पर थोड़ा आपको गिव्स फ्री एनर्जी और जो फार्मूला है डेल्टा जी के ऊपर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा डेटा जी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा जीरो होगा तो क्या होगा और उसके अलावा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है एंट्रोपी एंथेलपी एंड आपका एनर्जी चेंज के ऊपर जितना भी क्वेश्चन पूछा था थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको पूछ ले जाएगा ऐसे थियोटिकल क्वेश्चन पूछता है लेकिन ज्यादा डीप में पढ़ने का आपको कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा स्टूडेंट क्या करता है कि पीएचडी शुरू कर दिया के एनसीईआरटी में आपको कॉन्सेप्ट समझना है और फॉर्मूला रट्टा मार के निकलना है क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों हो सकता है कि थर्टी जून जो डेट दिया वो टेंटेटिव दिया हो सकता है पीछे हो जाए अब नहीं हो हो तो अलग बात है ना प्रिडिक्ट करने वाला चीज़ हो गया आप कैसे बता सकते हैं कब होगा तो आप अपने अनुसार तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना आपको तो आप अच्छा से कीजिए ये चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ना है ऑर्गेनिक में देख लीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन सब्सिट्यूशन रिएक्शन एस एन वन एस एन टू जितना भी नेम रिएक्शन है आप अगर नेम रिएक्शन का आपको नोट नहीं पता तो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा हूँ केमिस्ट्री के लिए वहाँ पर मैं नोट भी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जितना भी नेम रिएक्शन में रट्टा मार के खुद गए तो आप भी जाकर रट्टा मार लीजिएगा तो अच्छा होगा आपके लिए भी और उसके बाद फिजिक्स फिजिक्स के देखिए फिजिक्स में इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ता नहीं और मेरा पहले से फिजिक्स देखने से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है फिजिक्स में पकड़ने से मैं छोड़ता हूँ कब छोड़ दूंगा बच जाऊँगा जे में भी फिजिक्स है मतलब सिलेबस में फिजिक्स है सोच रहे हैं कि मतलब आपका छोड़ेगा नहीं पीछा भी जे में भी तो वो सिलेबस का सी जी पी मतलब क्रेडिट तो नहीं होता लेकिन रहता है सिलेबस में पास करना पड़ेगा आपको हंड्रेड में फोटी लाना पड़ेगा और हंड्रेड में फोर्टी लाने में इतना दिमाग ख़राब होता है मेरा मतलब फिजिक्स हमको आता ही नहीं एकदम तो आपको मैं प्रेफर करूंगा अगर आपका फिजिक्स अच्छा है और बुरा हो जो भी हो आप देख लीजिए मेके काइनामेटिक्स चैप्टर जो होता है टू तो डी डायमेंशन में जा जो मोशन होता है वो क्या बोलता है मोशन वहाँ से क्वेश्चन पूछता है मेकेनिक्स के लिफ्ट उफ्ट के वो वहाँ से फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है फिर रोटेशनल मोशन से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपका तकदीर एकदम ही खराब है तो उसका बाहर भी क्वेश्चन पूछ लेगा ठीक है वो गारंटी हम नहीं दे सकते अब बात है कि फिजिक्स आपको पता चल गया ये ये पढ़ना है केमिस्ट्री आपको पता चल गया क्या क्या पढ़ना है अब बात हुआ कि मैथेमेटिक्स क्या करना है सबसे खतरनाक वाला चीज़ जो है मैथेमेटिक्स क्योंकि ट्वेल्व में ज़्यादातर स्टूडेंट रहता नहीं उसके बाद जिसका रहता था तीन साल नहीं पढ़ के वो भी भूल जाता है तो खतरनाक सब्जेक्ट मैं इसलिए बोलता हूँ अब बात ये है कि आपको कुछ नहीं करना है देखिए मैथेमेटिक्स में क्या करना है मैं आप जे एन सी बी का एग्जाम दे रहे हैं मतलब गैट भी अब जे एन सी बी में बोलते थे वो बोलते नहीं सर वो गैट भी बोलता है ना गैट भी हो जे एन सी भी क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा तो गेट भी या एमएससी लाइफ साइंस कुछ भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं ना जेन का या आप जो कॉम्बाइन एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर मैथमेटिक्स से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है जो बायोलॉजिकल सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस भी है जैसे मैं बात करता हूँ अगर जेन ऊ का बात पूछ लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन इंट्रीगेशन डिफरेंशिएशन आपका मैट्रिक्स सेट रिलेशन और आपका इधर हो गया परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो ये प्रोबेबिलिटी ये सब चैप्टर जो बहुत है बहुत हॉट टॉपिक है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए ये भी करके चल जाएगा तो आपको तो क्वेश्चन आराम से अटेंड करके आ जाएगा वो एम एस लाइफ साइंस का हो या आपका इन्वायरमेंटल साइंस का हो या आपका हो जाए इधर बायोटेक्नोलॉजी का और आपको पता है कोई भी एंट्रांस बायोटेक्नोलॉजी का बैठिएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ तो आएगा ही आपका पीछे छोड़ने वाला है नहीं और जाके जब एम कीजिएगा तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा सिलेबस में रहेगा ठीक है तो ये अच्छे से देख लीजिएगा ऐसे फिजिक्स को देखने से मेरे डर लगता है बहुत ख़राब मैथ फिर भी कर लेता हूँ लेकिन आप देख लीजिएगा ये आपको बताया फिजिक्स के लिए मैथ के लिए और केमिस्ट्री के लिए अब बात हो आप बायोलॉजी के लिए आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं बायोलॉजी तो मेरा ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो आपको बहुत अच्छा है कि आपका बायोलॉजी सही है जिसका बायोलॉजी सही नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूँ और आपको भी अगर सुनना है कि आपका बायोलॉजी सही है फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है वीडियो तो आप देख रहे हैं इसकी जब मन कर सकते हैं तो बायोलॉजी में क्या पढ़ना पड़ता है अगर आप जे एन का या आप लाइफ साइंस का एग्जाम दे रहे हैं ना भैया आपको सी एस का एग्जाम उधर छोड़ लेकिन आप अगर और का examination दे रहे हैं तो वहाँ पर देखिएगा से question पूछता है बायोलॉजी इम्यूनोलॉजी आपका जितना भी बायोटेक्निकल टूल्स टेक्निक्स बायो टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपके पास जितना भी तो वहां से क्वेश्चन पूछे और आपको जितना भी टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मॉडर्न पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब

अरे घुमा के आपको पूछेगा आपको बोलेगा एरोमेटिक अमाइन एसिड टू एटी नोमीटर एब्जॉर्व करता है तो क्यों करता है पाई, -पाई ट्रांजिशन होता है क्योंकि एरोमेटिक रिंग रहता है आपको पता होगा बेसिक केमिस्ट्री अगर पता होगा रेजोनेंस होता है वहाँ पर पाई बॉन्ड्स रहता है वो शिफ्टिंग करता है एक जगह से एक जगह तो मूवमेंट होता है तो स्टेबिलाईजेशन बढ़ता है स्टेब्लाइज होता है मॉलिक्यूल तो ये सब चीज़ होता है दोस्तों और बायोलॉजी से मॉडर्न पार्ट के ऊपर बायोलॉजी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप सोचेगा बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपको मॉडर्न बायोलॉजी पता नहीं है तो आपको खतरनाक लगेगा लेकिन क्लासिकल बायोलॉजी से इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है अगर मैं जेन ओ सी भी का एम बा, एस लाइफ साइंस का बायोटेक्नोलॉजी का बात करूँ और एमएससी लाइफ साइंस का बात करूँ तो ये कुछ गोल्डन टिप्स आपको बताएं आप पढ़ लीजिए इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है जो होने वाला है मेरे साथ भी होता था तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए व्हाट्सअप में हूँ और मेरे को सजेशन देते रहिए कि आपका क्या दिक्कत हो रहा है क्या चाहिए वीडियो मैं बनाते रहूँगा देखिए दस मिनट वीडियो तो मैं बना ही सकता हूँ जितना भी असाइनमेंट मेरे को यूनिवर्सिटी से भेजे ठीक है तो मैं बना दूंगा आपके लिए वीडियो आपका टाइम कम है तो मैं समझ रहा हूँ आपका टेंशन आपका बर्डन समझ रहा हूँ तो ज़्यादातर वीडियो मैं बनाऊँगा आपका कोई भी दिक्कत हो हमको बोलिए मैं आपके साथ साथ हूँ आपका एंट्रेंस क्वालिफाई कराने का दायित्व में मेरे लिए हूँ तो आपको जितना भी फॉलो हो रहा है मैं बोलिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं कंसल्ट करूँगा बहुत सारे स्टूडेंट अगर हमको नहीं पता है तो कंसल्ट करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा लेकिन दूंगा जरूर तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अगर कमेंट भी कीजिएगा कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग बोल रहे ई बुक मैं पब्ली किंडल से जाके खरीदूंगा तो अगर किंडल से जाके खरीद रहे हैं तो आपका भी दिक्कत हो रहा है मतलब प्रॉब्लम हो रहा है मेरा भी हो रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है अमेजोन आप मेरे को सिर्फ थर्टी फाइव परसेंट दे रहा है बुक का और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है तो और आपको पी डी एफ भी नहीं मिल रहा है लेकिन आपको इंस्टा में पी डी एफ भी मिलेगा प्राइस भी कम है और आप ज़्यादा एक्सेसिबल होइएगा एकदम सिंपल वे है आपको अगर नहीं पता है मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि देखिए अमेजोन पेटीएम जो भी सिस्टम है वहाँ पर एक सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है जिसको वन बिट एट एस सिक्योरिटी बोला जाता है एडवांस इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी जो व्हाट्सअप आप यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आपका इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी रहता है तो ये बहुत ही हाईली सिक्योरिटेड रहता है और इंस्टा मुजुबे में भी यही सिस्टम है दिक्कत ये है ना कि आप लोग को टीवी में फेसबुक में और हर जगह अमेजोन दिखता है तो आप लोग सोचते हैं कि अमेजोन बहुत सिक्योर है लेकिन ऐसा बात नहीं है आपका इंस्टा मुजुब भी सिक्योर है वहाँ पर आपको पी भी मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने में ईजी भी हो रहा है और आपको कमीशन मतलब कम प्राइस में मिल रहा है और मेरा भी थोड़ा फायदा हो रहा है मेरे साथ जो काम कर रहा है उसका भी थोड़ा फायदा हो रहा है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्राई कीजिए इंस्टा मोजू से बुक खरीदने का क्योंकि आपका भी फायदा है मेरा भी फायदा है थोड़ा तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए इस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं इस रिलेटेड वीडियो और देते रहूँगा आपका एंट्रेंस तो मैं क्लियर करके रहूँगा धन्यवाद दोस्तों